के लिए स्पेशल ऑफर्स दिए हैं. बीइंग द फेस्टिव सीजन, हॉलीडे सीजन, क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर तक अक्सर सबकी छुट्टियाँ होती हैं, और विंटर यू नो पहलगाम विंटर डेस्टिनेशन में हम खुद बहुत अलग हैं, यू नो अलग तरह का माहौल है, अलग तरह का फ़न होता है विंटर एक्टिविटीज़ का, तो वो सब प्रमोट कर रहे हैं. और मार्केट को हमने स्पेशली इसके लिए सजाया है. शाम को म्यूजिक्स एंड अदर इवेंट्स है. हम मार्केट में वो कांगरी एंड दिस कहवा इज़ बीइंग सर्व्ड सो दैट लोकल कुजीन और लोकल वार्म्थ का पता चले. ये सब चीज़ें हो रही हैं. कि पहलगाम टूरिज़्म के हवाले से अपना एक इनफरादी मकाम रखता है. ये सालों से यहाँ टूरिस्ट आते हैं, सालों से यहाँ टूरिस्ट का खैर मकदम किया जाता है. तो उसी सिलसिले में इस बार का जो पहलगाम है डिफरेंट तरीके से टूरिस्ट के लिए तैयारी कर रहा है. वाइब्रेंट पहलगाम, यूनाइटेड पहलगाम, सबसे आलीशान पहलगाम, उस हवाले से जम्मू कश्मीर टूरिज़्म डिपार्टमेंट का जो ओवरऑल उसके बैनर के नीचे जितने भी हम पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अनंतनाग है, या यहाँ के जो स्टेक होल्डर हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, इस कोशिश में लगे हुए हैं कि पहलगाम को भी उस दर्जे तक लाया जाए. चूँकि इसका पोटेंशियल है ही, लेकिन पोटेंशियल के साथ साथ इसकी जो इनफरादियत है, इसका जो बलवला है, इसका जो जज्बा है, वो तभी भरा जाएगा जब यहाँ टूरिस्ट आएंगे. तो ये सारी कोशिश इसीलिए है कि ताकि मुल्क भर से या गैर मुल्की सतह के टूरिस्टों को भी पहलगाम की तरफ विंटर में मधु किया जाए. बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, कश्मीर आके बहुत अच्छा लगा, और यहाँ पहलगाम और आके तो और अच्छा लग रहा है. बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया गया है यहाँ पर. बहुत ही मतलब एक्साइटमेंट आप देख ही रहे हैं हमारे लोगों की, तो बहुत मज़ा आया.